अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर और आज का हमारा टॉपिक है सोयाबीन के फलियों के फ़वाद, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट और इसके मेडिकल बेनिफिट्स। मगर मज़ीद बताने से पहले, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। सोयाबीन फलियों की किस्मों में से एक किस्म है, जिसे सोयाबीन भी कहा जाता है। सोयाबीन का ताल्लुक मटर के ख़ानदान से है। सोयाबीन की अफादियत के सबब इसकी दुनिया भर में वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। सोयाबीन इंसानी सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाओं में से एक है। सोयाबीन की फ़वाद की अगर बात करें तो इसके मुतालिक तहकीक बहुत सारी हो चुकी है और अभी भी जारी है। ताहम अब तक जमा शुदा हकाई के तहत एक्सपर्ट सोयाबीन को रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करने का मशवरा देते हैं। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोयाबीन पर मबनी खुराक का इस्तेमाल के नतीजे में सेहत से जुड़े मसाइल, स्पेशली अमराज़ कल्ब का हल और इलाज मुमकिन होता है। सोयाबीन के इस्तेमाल के नतीजे में हासिल होने वाली ग़िज़ाइत और अफादियत, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम सोयाबीन में शामिल न्यूट्रिशनल अज़ा की बात करते हैं। सोयाबीन आला और मयारी प्रोटीन पर मुश्तमिल फली है। इसमें ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। चंद सोयाबीन फलियां ऐसी भी हैं जिनमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, मसलन चाइनीज़ टोफू या पे कैल्शियम फोर्टिफाइड सोयाबीन ड्रिंक्स। सोयाबीन की फलियों में फाइबर, प्रोटीन, वाइटामिन के, वाइटामिन सी, फोलेट, लो फैट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, लैक्टोज फ्री और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। ग्रीन सोयाबीन के फ़वाद के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन और ग़िज़ाएँ से भरपूर हरे सोयाबीन में भी वाइटामिन सी, के, आयरन, कैल्शियम के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। फाइबर से भरपूर ये फलियाँ डाइटिंग के लिए बहुत आइडियल हैं। अब हम ड्राई सोयाबीन के फ़वाद के बारे में बात करते हैं, यानी सूखी हुई फलियाँ। निज़ाम हज़म में बेहतरी का सबब बनती हैं। सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे अहम और ख़ास ज़रिया माना जाता है। जिस्म में प्रोटीन की काफ़ी मकदार मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और मजमूई तौर पर जिस्मानी निज़ाम की बेहतरीन मददगार साबित होती है। प्रोटीन इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन जुज़ है, जो जिस्मानी वज़न में कमी, मसल्स, ब्लड सेल्स को बनाने और इनकी रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी करार दिया जाता है। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डीन प्रेट का कहना है कि सोयाबीन में बहुत हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के मुताबिक सोयाबीन में फाइबर की बहुत मकदार पाई जाती है, जो कि इंसानी जिस्म में कोलोरेक्टल और कोलोन कैंसर के खतरात को कम कर देती है। दूसरी जाने माहरीन का कहना है कि सोयाबीन में पाए जाने वाले आइसोफ्लेवोन्स और पॉलीफेनोल्स कंपाउंड्स भी कैंसर से महफूज रखते हैं, दिल की सेहत के लिए मुफीद हैं। सोयाबीन का मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल डायबिटीज़ की रोकथाम या इसको मुनज़्म करने के हवाले से बहुत वैल्यूएबल है। सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट की खासी मकदार मौजूद होती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शुगर की मकदार को बढ़ाए बगैर तवानाई फराहम करते हैं। ये हड्डियों के लिए भी मुफीद है। सोयाबीन में वाइटामिन्स और मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर और जिंक की खासी मकदार मौजूद होती है, जो हड्डियों की नशोनुमा और इनकी तामीर और रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम अनासर मिलकर ऑस्टियोट्रॉपिक एक्टिविटी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये ग़िज़ाई अज़ा नई हड्डियों की तामीर और मौजूदा हड्डियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम रोल प्ले करती है। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी बहुत बेहतरीन है। दुनिया जैसे तरक्की कर रही है, इसके बावजूद बीमारियों की शरह भी बढ़ रही है। ऐसे में सोयाबीन का इस्तेमाल प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बेहतरीन है। सोयाबीन में मौजूद वाइटामिन बी और फॉलिक एसिड की कसीर मकदार प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होती है। फॉलिक एसिड न्यू बॉर्न की पैदाइश के बाद दिमागी बीमारियों से महफूज रखता है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मॉलेज मैगजीन कराची के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और ई मेंबरशिप हासिल कीजिए और हर माह अपने मोबाइल पे मॉलेज मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट पे पढ़िए, जिससे आपको मेडिकल रिसर्च, मेडिकल आर्टिकल, दुनिया भर से मुफीद खबरें और मेडिकल टिप्स वगैरह मिल सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।